नहीं होती है उर्दू और हिंदी बहुत ज्यादा मुख्त नहीं है। कुछ उसूलों का नशा था कुछ मुकदस खाब हाँ थे हर जमाने में शहादत के यही हाँ थे। नाजरीन आदाब प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। आज हम गुफ्तु करेंगे रमेश चंद्र पोहाल पानीपति की मशोर मारूफ किताब जिसका नाम है दास्तान हाली और मेरे साथ इस किताब पर गुफगू करने के लिए मौजूद हैं इस अहद के मरूफ नक्का और दानश्वर डॉक्टर असलम परवेज़ साहब असलम परवेज़ साहब इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तेफाल करता हूँ नाजी इससे पहले कि हम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब से इस किताब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफग करें मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस किताब के बारे में आपको बता दूँ ये किताब रमेश चंद पोहाल पानीपति की है और बहुत ही मशहूर मशहूरमाफ़ किताब है जिसका नाम है दास्तान हाली इस किताब में रमेश चंद ने हाली की ज़िंदगी की मख्तल कैफियतों को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्नीसवीं सदी में जिन बड़ी शख्सियतों ने पूरे अहद को मुतासर किया उनमें एक अहम नाम अमामा अलताफ़ हुसैन हाली का है हाल ही ने यादगार गालिब तहरीर करके गालिबियात की फहरिस्त में एक बड़े इजाफे का काम किया है किताब के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गुफ्तु करेंगे डॉक्टर असलम परवेज साहब से असलम परवेज साहब सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अल्ताफ हुसैन हाली का क़द इलमी और अदबी दुनिया में क्या है देखिए ऐसा है कि हाल ही सौ सैंतीस में पैदा हुए थे और उन्नीस सौ चौदह में इंतकाल हुआ उनका लेकिन बुनियादी तौर पर हम उनको उन्नीसवीं सदी का ही आदमी मानेंगे और 19वीं सदी जो है वो हिंदुस्तान की एक बड़ी हंगामा खेज सदी थी क्योंकि उस सदी में ये दरअसल रनासांस की सदी थी जैसे नशात सानिया हम कहते हैं उर्दू में और नशात सानिया तारीखी एतबार से समाजी एतबार से अदबी से तो हाल ही जो थे वो अच्छा अब रनासा जब होता है तो एक तो पूरे माहौल में रहनासा होता है लेकिन हर आदमी अपने क़द के हिसाब से उसकी शख्सियत किसी भी दौर में अपने आप में चाहे रहनाशा पूरे अहद में हो ना हो वो रहनासा मैन होता है तो इस तरह से हाल ही जो थे वो दोनों एतबार से ही वाज़ रहनासा मैन जैसे आप अंग्रेज़ी में कहेंगे इसलिए कि रहनासा मैन वो होता है कि जिसकी बेनता जहात होती है शख्सियत की अगर वो अदीब है तो उसकी शख्सियत के अदीब की ऐसे शायर की उसकी जहात है तो हाल ही जो थे वो रहनाशा मैं थे और उस जमाने में ये ज़माना उर्दू नसर के फ़रो का भी जमाना है और उर्दू नसर जो है ख़ास तौर पर जिस जमाने में आकर वो पनपी है फली भूली है हालांकि फोर्ट विलियम कॉलेज हो चुकी थी अठारहवीं सदी के बिल्कुल आखिर में और पर लेकिन एक दो दास्तान वगैरह लिखी गई थी मगर दास्तानों के अलावा बाकायदा जो दूसरी जॉनर्स थी नसर की वो तमाम जॉनर्स जो हैं इस सदी में आकर एकदम पन पी और उसमें पाँच आदमियों का नाम ख़ास तौर पर लिया जाता है जिनको उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा कहा जाता है उसमें नजीर अहमद थे उसमें शिवली थे उसमें हाली थे उसमें मामद हुसैन आज़ाद थे और सर सैद थे तो ये सब लोग थे उसमें हाली का मामला ये है कि हाली शायर भी थे और नसर नगार लेकिन उनके बारे में ये कहना बहुत मुश्किल हुआ कि आया वो नसर निगार बड़े थे या शायर बड़े थे क्योंकि शायरी भी उन्होंने खूब की है और नसर भी खूब लिखी है शायरी में कुछ असनाफ होती हैं उन पर कमाल हासिल हो सकता है लेकिन नसर की तो बेशुमार असनाफ हैं और नसर की कौन सी ऐसी सिर्फ है सिवा एक नाविल फ़िक्शन को छोड़कर जिसको हारी ने पामाल ना किया हो खो सवान हो ख़ा व तनकीद हो ख मकतूबा हो, गरज ये है कि उन्होंने हर सिंह को पामाल किया उनकी और जो जो जिंदगी का कैनवस है, वो ही वसी जी, जी जी और एक सबसे बड़ी बात जो उनके यहाँ है वो ये है कि उनका जो लसानी शूर था वो बड़ा जिंदा और बेदार था देखिए उर्दू और हिंदी का मामला ये है कि उर्दू और हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं है और जब हम आप बोल की सतह पर आते हैं तो आप हली क्लेम करते रहें कि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं क्लेम करता रहा हूँ कि मेरी मादरी जबान उर्दू है लेकिन हम दोनों बोलते ही जबान तो दिस इज़ द करेक्ट ऑफ द मैटर और हाल ही में यह बात कई जगह कही भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अच्छे सर अल्फाज जो हैं ज़बान में आने चाहिए उससे ज़बानें मारा मार होती हैं जब एक जबान दूसरी जबान के अल्फाज लेती है तो हाल ही जो थे एक रनासा मैन थे और उन्होंने अदब की बहुत असराफ में तोमई की है। और जिसमें भी उन्होंने काम किया उन्होंने गोया अपने कमाल के आ, को, को पहुंचा कर छोड़ा ही तो। पर गुज्त दिनों भी बहुत काम हुआ है आज भी काम हो रहा है जी। जी। रमेश चंद्र साहब की किताब यह बड़ी अच्छी बात है कि उनका ताल्लुक भी पानीपत से हाल ही का भी ताल्लुक पानीपत से इस किताब में उन्होंने पांच अवाब कायम किए और इन तमाम अवाब में बड़ी खूबसूरती के साथ हाल ही की जिंदगी का अत्या किया है इन्होंने मैंने इस किताब को बड़ी दिलचस्पी देखा और पढ़ा आप आ, हर शख्स से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो, वो न, किसी अदीबी शायर पर ऐसा काम करते जैसे हमारे बड़े बड़े अदीबों शायर जैसे तो खुद ही ने गल पर किया क्योंकि रमेश चंद्र पोपाल साहब जो, जो हैं उनका जो बुनियादी जो उनका जो कंतर है वो ये है कि वो हाल ही वतन है और उनका ख़ानदान जो है पुश्तों से उर्दू ज़बान और उसके अकदार से वाबस्ता है, वावस्ता है। और आज के ज़माने के आदमी हैं जबकि सैंतालीस के बाद से उर्दू तकरीबन पानीपत वगैरह जैसे इलाकों से तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी लेकिन इसके बावजूद इनके ख़ानदान में वो रिवायत ज़िंदा रही उन्होंने जिंदा रखा है इसको और एक बात जो लिसानी हाली के शहर की कह रहा था इन्होंने भी ये किताब हिंदी और उर्दू दोनों इसक्रिप्ट में छापी है शायद छपने वाली है लेकिन इसका जिक्र उन्होंने इसमें किया है कि हिंदी में भी आने वाली है क्योंकि फ़र्क कुछ नहीं है सिवाय लिपियंतर के और कोई बहुत ज़्यादा फर्क उसके अंदर नहीं होगा तो ये एक बुनियादी बात है कि हाल ही को इतना करीब अपने से पाते हैं तो इसकी तफरीक नहीं किया वहाँ उर्दू नहीं पढ़ाई जाती या ये है कि हाल ही तो मुसलमान थे हम हिंदू हैं ज़्यादातर जगहों पर उर्दू जो है वो हिंदू और मुसलमानों में बढ़ गई है जी, जी। तो ये सारा मामला है लेकिन हाल ही जो है उस ट्रेडिशन के आदमी नहीं थे और भोपाल साहब भी उस ट्रेडिशन के आदमी नहीं है हो सकता है कि उनके बच्चे उर्दू स्क्रिप्ट ना जानते हो ना पढ़ा हो लेकिन वो हाल ही को जानते हैं हाल ही की भाषा को जानते हैं हाल ही का के अदब से वो वाकिफ हैं तो ये तमाम बातें मतलब ये हाल ही के बारे में इन्होंने ये लिखा है कि इनके दादा जो थे वो हाल ही से बहुत ज़्यादा करीब थे जी जी, जी।, तो जी। जाहिर है तो भाई वो जमाना ही ऐसा था, ऐसा था कि करीब थे और ज़्यादातर लोग उर्दू ही पढ़ते लिखते बोलते थे और आप हाली की जबान उठा के देखिए कि उनकी शायरी आप पढ़िए तो लगता है कि वो नसर से ज़्यादा आसान है उनकी नजर आप पड़िए तो लगता है वो शायरी से ज़्यादा आसान है यानी इतनी और ये को, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है आसान लिखना सबसे मुश्किल काम है मुश्किल जबान लिखना तो आसान है डिक्शनरियाँ भरी पड़ी हैं मुश्किल अरवाज़ से लफ्ज़ निकालिए इस्तेमाल कर दीजिए आसान लफ्ज़ को तो ढूंढना पड़ता है वो ज़मीन पर मिलता है ज़मीन के आदमी से मिलता है और मालूम होता है कि वो कितना पावरफुल है वो लफ्ज़ क्योंकि जो लोग अवाम नाज़ जो जबान बोलचाल चाल में इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर जबान होती है इसलिए कि वो जिंदगी के तजर्बात से निकली हुई जबान होती है जो डिक्शनरी में किताबों में जबान है वो तो किताबी जबान है वो तो हम किताब से सीखते हैं लेकिन किताब से आप सारी जबान नहीं सीख सकते तो ये सारा मामला हाली का है अदब में एक मैार मतन किया है अदीमों ने क्या उस मैार पर यह किताब उतरती है देखिए मैं असकर अदाब से भोपाल साहब से हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इसलिए कि अदबी मे की बात नहीं इन्होंने इनका मेन कंसर्न हाल ही है इसमें निभाया है पूरा वो हाल ही से कितना अटैच है वो हाल ही को कितना समझते हैं हाल ही पर ये किताब लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया को हाल ही से मुता हाल ही इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड लेकिन पानीपत में बैठकर हाल ही की बात करने का मतलब यह है कि पानीपत वालों से और आसपास वालों ने कहा कि भाई ये तुम्हारी मीराश है और अगर तुम उसको भूल गए हो तो इसको दोबारा से देख लो याद कर लो और इसको अपने गले से और सीने से लगाओ ये उनका मेन कंसर्न ये है ही इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी वो कोई बाकायदा रेगुलर उर्दू के अदीब नहीं है लेकिन कमाल है तो उनके पास सारी मालूम पता नहीं या तो उन्होंने भी उर्दू बाकायदा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो और भी कमाल की बात है उन्होंने लिखा कि उन्होंने बाकायदा उर्दू पढ़ी है पढ़ नहीं पड़ी है उनको ऐसा नहीं है कि चले वादा के ज़माने से चली आ रही थी पढ़ते आ रहे थे तो पढ़ते चले आए गिबा उन्होंने बाकायदा जब हाल ही का तस्करा सुना होगा अपने बुजुर्गों से तो सोचा गा तो ये हमारी इतनी बड़ी मीराश है और हम ही इससे बेबहरा हूँ क्योंकि तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है तो ये किताब अच्छी और किताबें देखने में भी खुशनुमा लगती हैं उनके कैलीग्राफिक स्टाइल भी मुख्तलफ होते हैं वो तमाम इन चीज़ों का इन्हें प्रोडक्शन ख्याल रखा गया है कि खोलते ही जी लगे आदमी का कि इसे इसे पढ़ा जाए और बड़ा कुशादा और खुला हुआ लेकिन एक बात मैंने फिर ये भी महसूस की कि इनका ताल्लुक़ जो है हाल ही की शायरी से इनका दिल ज़्यादा मिला हुआ है छः सासों सफे की किताब है इसमें आधे सफ़ा तो गाली हाल के बारे में और आधे सफ़ात में उनकी तखलीक हैं और उन तखलीक में क्या चीज़ें नज्में गज़लें उनकी उनकी तमाम चीज़ें हैं तो नसर के नमूने सिर्फ ख़तूत वगैरह के एक थोड़ी के तो, में जाते हैं थोड़े है से बाकी शायरी पर ज़्यादा जोर है इसलिए कि हाल ही की शायरी की ज़बान और उनकी नसर की जबान में कोई फ़र्क ही नहीं है जैसे गालिब को देखिए इतना बड़ा शायर जब वो ख़त लिखता है तो बड़ी आसान और सरल और सादा नजर लिखता है लेकिन जब वो शायरी करता है तो उनकी उर्दू की शायरी भी किसी के पल पड़ लेनी पड़ती है साथ मामला नहीं है तो ये है अच्छा फिर ये कि हाल ही को जो शोहबतें मिली लोगों की और जो जो काम उन्होंने किए और क्या क्या काम उन्होंने किए हैं वो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे लेकिन उसके बावजूद जब उनको ऐसे टेक्स्ट पढ़ने को दिए हाल रायल्ड ने जिसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज थे तो उन्होंने उस हद तक उन अल्फाज को समझा सीखा उनके मानी को सीखा उनको कहीं तहरीर में इस्तेमाल किया और नहीं किया तो उन सबके मतलब ये उन्होंने बरता तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने एक बहुत बड़ा आ, मतलब ये काम ये किया और उनकी नज़म ने जितना काम किया है नसर ने तो किया ही है लेकिन नसर जो है वो ज़्यादातर इस्कॉलर ने पढ़ी हैं संजीदा लोगों ने पढ़ी हैं नज़म आम लोगों ने पढ़ी हैं और जैसी जबान में लिखी हैं और जितनी आसानी से लिखा है फिर ये देखिएगा कि उनकी जो नजर तो जी जी बेवा है में बेवा का असल मसला जो है हम समाज में वो हिंदू बेवा का मसला है मुसलमानों में बेवा का वो मसला नहीं है बेवा की दूसरी शादी होती है हमारे यहाँ तो हु? लेकिन जो समाज था उसमें बेवा होना तो एक, एक स्टिग्मा था जी। और वो सारा का सारा उसको उस तरह से तो बैन किया गया था था। है जैसे कि शायद वो किसी हिंदू घरने की कोई फ़र्द है और इनकी कोई अजीज़ा बेवा हो गई है और उन्होंने उसका नक्शा देखा इस, इस तरह से उन्होंने उसको महसूस किया ना और इतनी तवील नज़म है ये नज़म हिंदुस्तान की दस जबानों में तर्जुमा हो चुकी है उसमें इन... तो पढ़ाई भी जा रही था यूनिवर्सिटीज़ में तो अब ये नहीं है मुसदस हाल ही जिसके बारे में सर सैद ने कहा था कि तुम ये लिखो और बाद में जब उन्होंने सर सैत यह कौल मशहूर है कि जब अहमद के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे क्या कारनामें तुम क्या करके आए हो तो वो कहेंगे मैं हाल ही से मुसदस लिखवा के लाया हूँ और शायद इसी पर मेरी हो जाएगी तो वो तो एक अलग मामला था लेकिन मनाजात बेवा जो है वो एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते जो उन्होंने लिखी है और उन तमाम औरतों की फीलिंग जो खास तौर पर हिंदू विडोज हैं कि अगर वो बारह बरस की उम्र में ही विडो हो गई है तो उसे ज़िंदगी भर विडो ही रहना है और क्या क्या शेर उसमें निकालने मसला ये है कि किसी घर में खुदा ना करे अगर रातों रात मौत हो जाए तो सुबह से पहले तो कुछ क्रिया कर मुन सकता जी जी। उस मुर्दे को तो रात भर रोना ही पड़ता है जी जी। तो उसकी ज़िंदगी जो है रात के मुर्दे का है रोना सारी रात अब नहीं सोना नहीं अब सोना जी जी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं तो बेवा पर इतनी अच्छी नज़म है वो और आठ दस जबानों में और बेवा पे जो नज्म है उसका इशारा इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस किताब में भी किया और मुसदस ही का भी जिक्र है इस किताब में जो सबसे एक अहम बात है वो ये कि उन्होंने हाल ही के अहद का और समाजी और अदबी मंजरनामा भी जी बड़ा खुपस। बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया और आप तो जानते हैं कि वो अहद उर्दू तारीख का बड़ा अहम अहद है तो उसके बारे में आप कुछ भाई देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई अलग से कोई सबक नहीं लिखे जी जी कि आपको सियासत का कोई सबक दे रहे हैं आपको कोई लेक्चर दे रहे हैं बल्कि उन्होंने तो तकलीफ़ी काम किया है और तकलीफ़ी का चुपकी दात उनकी नज़र में कितना और इन्होंने चुपकी दात का बहुत लंबा छोड़ा एक्सट्रैक्ट दिया है और मुनाज़त बेवा का भी दिया है मदर मदलाम का है। आ, नहीं दिया क्योंकि तो मदर मदरूसलम साहब दूसरी किस्म की चीज़ दूसरी की तो, नहीं। 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 तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने की हैं तो मैं, इनका जो ये मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर उस इलाके के एबार से ये एक बहुत ही नायाब और अच्छा काम है ये उन लोगों को जो लोग हाल ही पर स्कॉलर बने बैठे पढ़े लिखे लोग बैठे उनको शायद धसी गया कि भाई इसमें पढ़ा लिखा है आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन आम लोग जो हैं जो रीडर रीडिंग जो पब्लिक है उसके लिए इसमें बहुत कुछ है हरियाणा के लोग हरियाणा के बाहर के लोगों के भी और मैं समझता हूँ कि ये कोई इस एतबार से कोई मामूली काम नहीं है हाल ही के मास्रेन का भी जिक्र है इसमें सबका जिक्र है मुझे ये हैरत है कि इस आदमी को इतनी मालूम कैसे फराह हुई ये उर्दू क्या इतनी तो नहीं जानते कि इतने उन्होंने ये सारे उर्दू जानते भी हों तो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ इन तमाम चीज़ों के हवाले उनके पास कहाँ से आ गए कैसे पहुँच गए लेकिन ये कि उन्होंने जो कुछ भी मतलब इसमें हाल ही के बारे में लिखा है ऐसे लिखा है से जो हाल ही पर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं आम लोग नहीं जानते लेकिन उसको जब लिख कर सामने लाए तो इस तरह लाए हैं जैसे कि कुछ न जानने वालों को समझा बुझा रहे हैं इस अंदाज में उनका जो मतलब यह है कि मुखातब जो है वो वो आदमी है जो हाल ही के बारे में कुछ नहीं जानता और ये बताना चाहते कि देखिए आपका हाल ही ये है और इस तरह से है तो ये बड़ी बात है और ये खुद हाल ही का भी अदबी रवैया यही था कि वो कभी मुश्किल पसंद हुए ही नहीं उन्होंने हमेशा आसान जबान में बात कही आसान जबान में नसर लिखी आसान जबान में खुतू लिखे आसान जबान में मकानात लिखे आसान जबान में शायरी की अच्छा और ऐसी बात नहीं है कि उन्हें मुश्किल लिखना नहीं आता था देखिए इतनी सरल उनकी शायरी सारी इसके अंदर है लेकिन अगर आप गालिब का मरसे उठा के देखिए कितनी मुरसर और टुकी हुई जबान में वो मरसे है और क्या क्या बातें उसके अंदर है यानी ऐसा नहीं है कि वो जबान नहीं लिख सकते थे वो वो जानते थे वो जबान ना और जहाँ जरूरत पड़ी वो लिखी हाल ही का मरसिया तो बिल्कुल उसी फैशन में लिखा हुआ है जी जी। जिस फैशन में कि आज़ाद शायरी करते होंगे जिस फैशन में गालिब ने शायरी की है उस अंदाज़ का डिक्शन है गालिब के मरसी का जो है गालिब के तालक़ से आपने बात की गालिब से हाल ही का जो रिश्ता था वो इतना मजबूत रिश्ता था कि हाल ही ने यादगार गालिब लिख कर गलिबियात में एक बड़े इजाफे का काम किया और उसकी तरफ भी उन्होंने जी जी जी, में, जी अच्छा हाल ही गालिब के पास गए जी। कि मैं शायरी करता हूँ मैं आपका शायरी होना चाहता हूँ तो हाली ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए और वो बहुत मुतासर हुए उनसे और उन्होंने कहा कि मैं अक्सर जो लोग मुझसे आते हैं पूछने के लिए शायरी कर तो मैं मना करता हूँ शायरी हर एक के बस का रोग नहीं है लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा तुम शेर कहो और एक उन्होंने ये मशवरा दिया लेकिन तुम मेरे फेर फेहरे मत पढ़ो तुम शेवता के पास जाओ शेवता गालिब के शागिर्द थे शेवता का मामला ये था कि शेवता भी बहुत बड़े आलिम थे फारसी में नसर लिखते थे उर्दू में शायरी करते थे तो शेवता के पास पाँच छः साल तक ये रहे और वहाँ उन्होंने शेवता की शागिद दिखी तो वो ये कहते थे कि मुझे शेवता की असलाह पसंद है इसलिए कि शेवता सरल और आसान जबान में बात करते हैं मुझे गालिब की असलाह पसंद नहीं है हाँ गालिब की बातें पसंद हैं गालिब का जो कुछ करते हैं वो सब पसंद है लेकिन उनसे असलाह लेना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो जिस आसान जबान के कायल थे वो गालिब क्या नहीं मिलती थी उनको तो इसलिए ये मामला था कि वो मतदेद गालिब के थे लेकिन दरअसल शागिर्द जो थे वो शेवताई कहते के थे के मामले में उनकी मुनकसरुल मिजाजी के बारे में भी मुसनफ़ ने बहुत तफसी से बयान वो किया तो वो तो वो तो इंतहाई मुनकमिदार आदमी थे इतहाई खिदमत गुजार आदमी थे अपने से छोटों की खिदमत करते थे अपने से बड़ों की खिदमत करते थे तो वो तो एक फ़रिश्ता से व इंसान थे यानी एज ए मैन जो है कह सकते हैं कि हाल ही जो है वो बहुत मौलवी अब्दुल्क ने जो उनका खाना खाका लिखा है उसमें तो जना इस तरह की तमाम बातें हैं वो कोई आदमी किसी पर जुल्म जाती कर रहा हो तो उनसे रहा नहीं जाता था उनको परेशानी होती थी कि ये क्या कर रहा है और यह है कि कोई दुनिया का कोई लालच उनको नहीं था कोई दुनिया की कोई हवस उनको नहीं थी सिवाय इसके कि जहाँ से भी मिले इल्म जैसे भी मिले और काम करने का मौका लिखने पढ़ने का मौका हाल ही वहाँ तैयार है उसके लिए तो ये हाल ही का एक बहुत अच्छा प्रोफाइल और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इसमें दिया है उन्होंने और इसको लोग जी लगा के पढ़ेंगे एक तो ये कि मोटे मोटे रूप में लिखा हुआ है ज़्यादा उलझी हुई बातें नहीं है आधी किताब तो हाल ही की शायरी से भरी हुई है तो वो लोग जहाँ अब अब, अब पानीपत जैसी जगह है वहाँ कितने उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग हैं अगर किसी को उर्दू पढ़ने का शौक होगा हाल ही के तर्चा तो वहाँ होता है हाल ही की यादगारें वहाँ मौजूद हैं तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो उनके लिए इस ज़बान को सीखना और पढ़ना भी मुश्किल नहीं होगा सर पानीपत इलमी और अदबी एतबार से आज अहमियत का हामिल ना हो लेकिन माजी में इसकी बड़ी शानदार तारीख रही है और उन्होंने इस किताब में बुज़ुर्ग ने पानीपत नाम से एक बाप कायम किया उसके बारे में आप कुछ इजारा ख्याल रखा देखिए पानीपत का मामला ये है कि हाल ही वहाँ पैदा हुए बड़े ये तो एक बात है लेकिन पानीपत की एक तारीखी अहमियत भी है जी। और वो ये कि जितने हमला आवर इधर से आए वो सारे पानीपत होते हुए दिल्ली पहुँचे वो पहुँचे उनके असर पहुँचे और वो असर जो है जैसे कोई ऐसा है कि कोई काफ़िला जा रहा हो घूटों का और उस पर अनाज की बोरियाँ रखी हों तो अनाज के कुछ ना कुछ दाने बोरियों में जड़ते रहते हैं गिरते रहते हैं तो पूरे रास्ते में बिखरते हैं अब वो दिल्ली जा रहा है वो काफिला ज़ाहिर है पूरा स्टॉक तो वहाँ उतरेगा जाके लेकिन उसके बिट्स जो हैं वो हर जगह कहीं कम कहीं ज़्यादा तो क्योंकि ये वो ट्रैक वो है कि तमाम असरात को वो इंगेज करता चला जा रहा है तो इसलिए पानीपत की तारीफ तो बड़ी अजीब वरीब है और पानीपत की जो जंगे हैं ज़ाहिर है पानीपत की तारीफ पर उन्होंने भी असर किया है और वो पूरी सोच और वहाँ की ज़बान के मुहावरे और वहाँ के दास्तानें पुरानी ये तमाम चीज़ें मतलब ये हम अपने बचपन में सुना करते थे हमारी कहानी एक कहानी सुनाती थी कि जब पृथ्वीराज को शकस दी शहाबुद्दीन गौरी ने तो वद करके गया कि मैं दोबारा आऊँगा और अब के मैं इनको शिक्स दूंगा तो ये जिक्र हो रहा था तो कोई शख्स जो है वो पृथ्वीराज के क़िले में पहुँच गया किसी तरह से जासूस शहाबुद्दीन गोरी का और उसने ये कहा कि ये शाबदीन गोरी पे हमले की तैयारी कर रहा है तो उसकी माँ ने ये कहा पृथ्वीराज की अब दास्तान है रिवायत है कोई हिस्टोरिकल पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं कि जब तक के गोरी के पास हाथी चिंगाड़ नहीं होगा वो शक्स नहीं दे सकता मेरे बेटे को अब हाथी चिंगाड़ क्या चीज़ हो तो क्यों नहीं जानता था हाथी चिंगाड़ क्या चीज़ तो वो जनाब लेके करे क्यों वहाँ से गया अब उसने पता किया मालूम ये हुआ कि हाथी चिंगाड़ पटाखों को कहते हैं झूठे सच्चे जो हाथियों के सामने छोड़े जाएं तो, जाए। तो बिदक के उल्टे भागते हैं हाथी चिंगार ये था तो ये क्यों उनको मिला तो अगले हल्ले में उसने हाथियों को उल्टा भगाने का रास्ता किया मुकाबला करने का काम कम किया ये ज़्यादा किया और फतेह पा गया वो तो ये किस्से इस तरह के तो हाँ वहाँ की तो तारीख ऐसी अजीब है कि वहाँ तो इस तरह के लोग पैदा होने ही थे भाई इस, इस किताब में उन्होंने एक बाब में सर सैयद से जो हाल ही की वाबस्तगी है जी, जी और खासकर अलीगढ़ तहरीक में जो उनका नुमाया रोल है जी जी उस पर भी बड़ी आलिमाना गफ्तूर की है उन्हें बहुत अच्छी बातें मुझे तो ये हैरत है कि ये पता नहीं उर्दू इन्होंने कितनी पढ़ी है और कितनी नहीं पढ़ी है लेकिन ये बाखबर है तमाम चीजों से हाल ही के बारे में और जिस तरह से उन्होंने ये लिखा है सारा के सारा अच्छा फिर बहुत बातें ऐसी है इस किताब में जो कहीं लिखी हुई नहीं मिलती जो पानीपत का ही आदमी लिख सकता है जिसको अपने बुज़ुर्गों से वो बातें पता चली हों या जो उसने खुद देखी हो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और उन पर ख़ास पर तोज्ज देकर पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि तमाम चीज़ें ये को किताबें लेकर तो बैठे नहीं होंगे कि उसमें से पढ़ते जाए निकालते जाएँ और कोट करते चले जाएँ ये तो जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी या जो देखी उन तमाम चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किया और जमा किया और देखिए सैयद से है जी 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 तो अच्छा फिर इन लोगों को क्या था ये पांच के पांच लोग जो थे ये अपने आप में भी जाइंट्स थे और फिर क्या था कि उनमें बाज उम्र पर इख्लाफ भी थे आपस में मसला तालीम पर सर सैयद के और आज़ाद के बीच में था। के मामले में लेकिन ये कि ये तो बहुत ही कमाल की सदी थी उर्दू अदब के अतबार से भी और ये तमाम शख्सियतें बड़ी बाकमाल शख्सियतें थी और हाल ही का सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे यादे मिरंजा मरंज से आदमी रखते हैं लेकिन साहब क्या चीज़ है जो वो शख्स नहीं जानता और क्या कमाल है और कितना लिखा है पता नहीं किस रफ्तार से वो लिखते थे क्या करते थे कोई बहुत लंबी चौड़ी उम्र भी नहीं बस ठीक है सत्तर पचहत्तर बरस की उम्र अक्सर लोगों की होती है लेकिन उसमें इतने सारे काम और दिल्ली कॉलेज गए तो वहाँ ये किया और लाहौर में रहे तो वहाँ ये किया और शेवता के साथ रहे दिल्ली कॉलेज से जो उनकी वाबस्तगी है उस पर भी बड़ी आलेमाना गुफ्तु की उन्होंने जी हाँ जी, जी हाँ तो बहुत ही मतलब ये कि उन्हें गालिबा फुर्सत नहीं थी लिखने से जी, जी। वो सिर्फ लिखते ही लिखते बैठते लिखते और एक बात बार बार उन्होंने जगह जगह कही है कि जबान को आसान होना चाहिए जबान में ज़्यादा से ज़्यादा आसान लफ्ज़ बोलचाल लफ्ज हिंदी के लफ्ज़ दाखिल करो ताकि उससे तुम्हारी जबान जो है वो एन एंड रिच हो और ये बहुत बड़ा ये बड़े लानी शहर की बात है और इन सब लोगों ने मतलब ये सर सैद की और ये ये जबान का ये उसलूब सर सैद से सीखा उन्होंने इसका जिक्र भी किया हाली ने कि जबान का ये उसलूब जो है उन्होंने सर सैद के स्टाइल से सीखा क्योंकि वो भी इतनी बड़ी शख्सियत था लेकिन आप उनके मज़मून पढ़िए तो बाज़े हमारे स्टूडेंट को जब मैं पढ़ाया करता था बी की क्लास में जब पढ़ाया करता था तो उनको हंसी आती थी कि सर सैद ऐसी जबान लिखते हैं सीधी शादी सी बिल्कुल ही मैंने कहा सीधी जबान जबानी लिखना जो है वो टेढ़ा काम होता है टेढ़ी ज़बान लिखना कोई टेढ़ा का मुश्किल काम नहीं है सीधी सादी जबान लिखना मुश्किल काम है तो क्योंकि आस, जबान आसान भी हो सादा भी हो और उसमें असर पूरा हो यह है जबान का काम अच्छा हमारे यहाँ अब तक क्या क्या तारीख है हमारी कि मीर फारसी सीधी शादी उर्दू में करते थे नसर शायरी और नसर फारसी में लिखते थे गालिब एक अर्स तक शायरी उर्दू में लिखते रहे नसर फर्जी में लिखते रहे बाद में आकर में फिर उन्होंने वो खतूत के जरिए उर्दू नसर का भी अपना एक सिलसिला शुरू किया तो ये था और हाल ही नसर और नज़म दोनों में जी जी डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अदबी दुनिया में इस अहमियत आने वाले दिनों में क्या हो सकती है देखिये ये तो किसी किताब के बारे में ही बहुत हतमी तौर पर पहले से कोई नहीं कह सकता लेकिन ये उन किताबों में ज़रूर होगी कि जो लोग हाल ही को तलाश करना चाहते हैं जो हाल ही को डिस्कवर करना जैसे कहते हैं चाहते हैं तो उनसे ये कहना कि भाई इस किताब से शुरू करो समझ दिस इज द स्टेपिंग स्टोन समझे क्योंकि इतने आसान अंदाज में समझाया है कि इसको उन लोगों के लिए जो हाल ही को अचीव करना चाहते हैं दूर तक उनके लिए पहला पत्थर ये है जिस पर से उनको पैर कर आगे चल स्टेपिंग स्टोन तो इस किताब की हैसियत उन लोगों के लिए स्टेपिंग स्टोन की रहेगी ये बड़ी बात है और स्टेपिंग स्टोन की नजर रहेगी कि स्टेपिंग हेल्प करता है बल्कि ये साथ उस अंदर जो है, है मिलना चाहिए वो भी मिलेगा उनको अगर इस किताब को उन्होंने तो आगे और जो मुश्किल है अली के बारे में वो भी पढ़ सकते हैं जो तीसरी की थी जमातों के बच्चों में डॉक्टर तो तो साहब बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत है। नहायती आलिमा और आपने हमारे नाजर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो नाजरीन अभी हम गुफ्त कर रहे हैं डॉक्टर असलम परवेज से किताब दास्तान हाल ही पर जिसके मुसनिफ़ रमेश चंद पोहाल पानीपति थे अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ और एक नए स्कॉलर के साथ तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए आदा